नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया हो? बढ़िया रहना भी चाहिए। तो गाइस ये जो मेरे थोबड़े बाप मुस्कान देख रहे हो ना, पता क्यों है? क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, अपने पिंड जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं 2 साल बाद अपने गाँव जा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ आपको, जो जिसको समझ में नहीं आ रहा। तो जो मेरी जो मदर साइड है तो वो नेपाल से बिलोंग करती है, जो मेरी फादर साइड है वो इंडिया से बिलोंग करती है। तो आई एम काइंड ऑफ मिक्सअप, मतलब आई एम हाफ इंडियन हाफ नेपाली। या जो मेरी नेपाल की साइड है ना, उन्होंने आज तक मेरा गाँव नहीं देखा, और जिन्होंने देखा वो काफ़ी टाइम पहले गए थे मेरे गाँव में, मतलब 20 साल पहले। सो अभी तक तो भूल ही चुके होंगे मेमोरी। तो या मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा गाँव कैसा दिखता है अपनी फैमिली को भी, और जो जनता देख रही है यूट्यूब पे, जो नेपाल की मेरी सब्सक्राइबर जो बने हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा गांव कैसा दिखता है, मेरा पिंड कैसा दिखता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि 13 साल तक मैं हिमाचल में था, एंड फिर उसके बाद मैं मूव किया है दिल्ली, एंड दिल्ली से फिर नेपाल जाना आना जाना रहता है हर साल दशहरे तिहार में। तो इसी वजह से मेरे को 3-4 लैंग्वेज बोलना आती है, जैसे कि मुझे हिंदी बोलना आती है, मैंने पंजाबी भी आती है, मलाई नेपाली पनि बोलना आउँछ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मुझे हिमाचली भी बोलना आती है। सो हिमाचली ना थोड़ा मिक्सअप है पंजाबी का, तो थोड़ा इजी होता है पंजाबी और हिमाचली बोलना। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं एंड मैंने अभी तक टिकट बुक नहीं किया, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम था ना, तो सब लोग गए होते हैं दिवाली में, तो अभी टिकट मिलना बहुत ईजी होता है, खाली बस ही जाती है। तो मेरी जो बस चलती है वही चलती है ISPT से। मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैं नेपाल में था 2 साल, मैं दिल्ली आया हूँ। ओके, तो हमारी टिकट बुक हो चुकी है एज यू कैन सी, और मैं पता था बोल गया, मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ। टिकट बुक हो गया, पैकिंग शैकिंग इज ऑलमोस्ट डन, अब बस इंतजार है 6:30 बजे का, क्योंकि उस टाइम हम प्रस्थान करेंगे अपने दिल्ली वाले घर से, टू दिल्ली ISBT बस स्टैंड, जो कि पड़ता है इंटरस्टेट बस टर्मिनल दिल्ली का। तो वहाँ पहले पहुँचने से पहले हमें मेट्रो लेना पड़ेगा, जो कि हमें करीबन 1 घंटे में हमें दिल्ली ISBT उतार देगी, और वहाँ से हम बस लेंगे जो कि चलेगी 8:30 बजे रात को, एंड करीबन सुबह 6 बजे, 6:30 बजे सॉरी, हमें उतार देगी हमारे गांव, हमारे पिंड है ना। आई एम वेरी एक्साइटेड यार, एक्साइटमेंट तो होती है ना ब्रो, 2 साल बाद जा रहा हूँ। सो यार आई एम वेरी एक्साइटेड यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। ये शाहरुख खान वाले हाथ निकलते हैं मेरे जब भी एक्साइटेड होता हूँ मैं। ए करण भाई, दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन मेन रीज़न तो बताता है, भूल गया मैं भाई। मेरा मेन रीज़न हिमाचल विजिट करने का ये नहीं है कि 2 साल बाद जा रहा हूँ, बल्कि ये है कि मेरी जो बुआ है ना, उनकी बेटी की शादी है। बुआ का मतलब नेपाली में होता है फादर, लेकिन यहाँ पे बुआ का मतलब चेंज हो जाता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है फादर, यानी मेरे पापा की बहन। तो मेरे पापा की बहन की बेटी की शादी है, यानी मेरी बहन की शादी है, तो उसको अटेंड करने जा रहा हूँ। मेरा मकसद ये भी है कि मैं कैप्चर करूँ वो जो हिमाचली ट्रेडिशनल वेडिंग जो होते हैं, टिपिकल हिमाचल ट्रेडिशनल वेडिंग, वो मैं कैप्चर करूँ, वहाँ का रिचुअल, वहाँ का रीति रिवाज मैं कैप्चर करना चाहता हूँ अपने कैमरे से। और जो मेरी नेपाल की जो फैमिली है उन सबको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोगों को इतना पता नहीं होगा कि हिमाचली वेडिंग कैसी होती है ना। तो इसलिए मेरा ये मकसद ये भी है कि मैं आप सबको दिखा सकूँ। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, तो मैं जितना ब्यूटिफुली कैप्चर कर पाऊँ उतना मैं कोशिश जरूर करूँगा और आप सबको दिखा पाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे भाई, थोड़ा सपोर्ट ही कर दे। तो मिलते हैं मेट्रो में। तो फाइनली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से अब निकल रहे हैं, अभी बहुत सामान था यार, आते जाते हालत खराब हो गई। तो गाइस अभी बाहर निकले कश्मीर, पीछे आप मेरे पीछे कश्मीरी गेट देख पा रहे हो ना, कश्मीरी गेट है मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ पे सामने आप देख रहे हो ये है ISBT। तो अभी हमें यहाँ जाना, अभी तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बैठने आए हुए हैं, अभी रेस्ट करके काफ़ी थक गए हैं। ये आपको आगे बताता हूँ, मेरा अभी तक थक चुके हैं उसके बारे में। अरे अब हम कश्मीरी गेट में, भाई भारी सामान है यार, सामान देख देख के भाई अच्छा अच्छा बना दिया, काफ़ 2 साल बाद आ रहा हूँ ना, अच्छा बना दिया। मुझे फाइनली एंट्री हो चुकी है हमारी बस स्टैंड पे, हम तो घुस रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं मेरे को, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉग का जमाना, ब्लॉगर्स का जमाना है आज का। तो ये है ISBT दिल्ली का, ऐसा दिख रहा है। फाइनली गाइस वी मेड इट हियर, हमने कश्मीरी गेट पहुँच गए जैसे तैसे, भाई सांस तक खुली है। अभी 2 साल बाद आ रहा हूँ मैं स्टेशन पे कश्मीरी गेट पे, वैसे तो वैसे ही सेम टू सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी वो होता था, इतनी पब्लिक है तो भाई क्लीननेस तो थोड़ा क्लीन वगैरह तो मुश्किल ही होता है, पब्लिक इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अच्छा है। एंड अभी हम ना 1 घंटे पहले पहुँच गए हैं,
वहीं बस को आने में भी टाइम है। सो आई थिंक 8:30 बजे बस आएगी और अभी 7:30 हो रहे हैं। सो वही 1 घंटा रेस्ट करेंगे यहाँ पे, देन विल बोर्ड आर बस, हम बोर्ड करेंगे अपनी बस एंड फिर हम प्रस्थान करेंगे अपने गांव की तरफ। तो बस यही बताना था, थोड़ा बहुत अपडेट देना था, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, थके हुए हैं भाई। ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको, जी हाँ नेपाल, मेरठ चांदी बिजनौर नेपाल बड़ौद, और ये हमारा प्यारा नेपाल। बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है हमारा, यहाँ पे तो सारा पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज है, हमारा हिमाचल रोडवेज इस तरफ लगता है। यहाँ पे HRTC दिख रहा है, यहीं पे हमारे यहीं पे सारी हिमाचल की बसेस लगती हैं। तो हम 8:30-8 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। काफ़ी ट्रैवलर है आज, सो ये रामपुर जाएगी या बैजनौर जाएगी हिमाचल। तो बस अब इंतज़ार करेंगे हम यहाँ पे, शोर तो बहुत है यहाँ पे, ऑब्वियसली बस स्टैंड से शोर तो होगा। सो हेडफोन लगा लिए इसी चक्कर में कि आवाज़ अच्छी आती रही आप लोगों को। और अभी मैं टहलता हूँ थोड़ी देर एंड अब इसके बाद तो बैठना है 10 घंटे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बैठे बैठे, इतना बोर हो जाएंगे। सो या तो पीछे बंदे देख रहे हैं मेरे को, क्योंकि देवर स्माइलिंग एट मी, मतलब स्माइल पास कर रहे थे। सो या लड़की होती तो सोचता भी, देखता भी मुड़ के, जस्ट किडिंग। बस के अंदर बैठ चुके हैं, ये बस है हमारी और भाई 5-10 मिनट में प्रस्थान करेगी बस। मैं बस भी दिखा देता हूँ आपको कैसी है बस हमारी, कुछ ऐसी बस दिखती है अंदर से। पीछे तो जाते खाली है वैसे, आज ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही, दिवाली चली गई ना इसलिए लोग चले जाते हैं दिवाली से पहले, हम दिवाली के बाद जा रहे हैं ना। पुराने वाली बसों की सीटें क्या थी, बहुत छोटी होती थी, तो उसमें बैठने में बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन ये काफ़ी वाइड है तो अभी तो फ़िलहाल बहुत कंफर्टेबल है पहले के मुकाबले। सो अच्छी बात है, जर्नी 10 घंटे की जर्नी है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ता है हमको, ठीक है, अच्छा है, मतलब अच्छा काम कर रही है हिमाचल सरकार ने, अभी अच्छा काम किया है। ड्राइवर साहब आ चुके हैं, बस स्टार्ट हो गई। सबसे बेस्ट है यार, देखो पूरा नज़ारा दिख रहा है 360 में। देखा ना वो था राधा कृष्ण का स्टैचू था वहाँ पे बना हुआ था, और अभी हम पहुँच गए ये बाईपास में, अभी हम यहाँ से भी यात्री चढ़ते हैं। तो मैं अपनी अपनी सीट में जाता हूँ, अपनी सीट में जा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से यात्री चढ़ते हैं तो इसलिए अब अपनी सीट पर भी आना है, किसी और की सीट पर बैठा हूँ मैं, अच्छा थोड़ी लगता है ना। जो ये जो जगह है उसको बाईपास बोलते हैं ना, यहाँ से लोग ज़रूरी नहीं है कि हिमाचल ही जाते, कई लोग बीच में चंडीगढ़ आता, चंडीगढ़ भी उतर जाते कई लोग, तो यहाँ से सवारी मिल जाती है, तो अभी बस भर जाएगी धीरे धीरे करके। तो जस्ट अभी हम ना अभी हमें निकले हुए हैं, 2.5 घंटे हो गए और अभी हम रुके हैं ढाबा पे, मैं आपको दिखा दूँगा ढाबा कैसे दिखता है, एंड मैंने आपको बस भी नहीं दिखाया ना बाहर से कि बस कैसा दिखता है। तो 2.5 घंटा हो गया, अब यहाँ से 2.5 घंटा और लगेगा, थोड़ा जाकर स्टॉप जो आएगा हमारा चंडीगढ़ आएगा, हम चंडीगढ़ में रुकेंगे, तो मैं आपको बस भी दिखाई देता हूँ। कंडक्टर भाई साहब ने बोल दिया कि 20 मिनट रुकेगा यहाँ पे, तो 20 मिनट खा लो यहाँ ढाबा पे, लेकिन मेरे को तो यार जर्नी में खाने का इतना शौक तो है नहीं, मैं खाता कम ही जर्नी के टाइम पे, तो बस बाहर टहल रहे, थोड़ा सा ठंड लग रही है यहाँ पे। तो भाई सब भी पता कैसे हो, अब ये सीन हो गया था कि भाई ये जो ढाबा का ओनर है ना वो आया मेरे पास, उसने प्यार से मेरे को बुलाया और ऐसे करके बुलाया और कहा कि आपके पास परमिशन है शूट करने का, मेरी हालत ख़राब हो गई, मैंने कहा यार ये तो लफड़ा हो सकता है, मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे शूट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही, मतलब अब मैं ढाबा के बाहर ही था, मैं ढाबा के अंदर तो गया नहीं, तो कह रहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूछना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ वीडियो। तो सैडली मैं
आपको यहाँ की वीडियो तो दिखा नहीं सकता, लेकिन जो मैंने अपने आप को शूट किया और बस को शूट किया वो तो मैं दिखा सकता हूँ। सो वही है, वो तो आपने देख लिया होगा, अभी तक पहले आ गया होगा। सो या ये अपडेट होना था, उसकी बात भी ठीक, उसकी बात भी दम तो था कि भाई उसकी प्रॉपर्टी है भाई, तुम ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं डिलीट कर देता हूँ वीडियो, नो प्रॉब्लम। मैं बस पहुँच गया झंडे का, और वो ये सुबह के 1:30 बज रहे हैं, देख रहा हूँ ना बस के पास में रुकाऊँ कि ड्राइवर आ ना जाए एकदम से। मेरे को लग रहा था कि इतना टाइम से यार मेरा ना बैटरी ख़त्म हो रहा था बहुत जल्दी मोबाइल का, मैं इतने टाइम से सोच रहा था मोबाइल ना बंद करके ऑन करके फिर शूट कर रहा हूँ। लेकिन अभी देखो मेरे को अभी एक चीज़ दिखी भाई, मुँह के आँख के सामने बोलते ना, आँख के सामने और दिखता नहीं, फिर भी वो वाला हिसाब है, दिखाता हूँ आपको। ओ यहीं पे बाजू पे दे रखा है चार्जिंग पोर्ट, देख लो कितना बड़ा ढक्कन हूँ मैं भाई, इतने 4 घंटे हो गए होंगे मेरे को ट्रैवल कर, मेरे को ध्यान ही नहीं है कि वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है। कोई नहीं, अच्छी बात है, अब सुबह चार्ज करेंगे, अभी के लिए इनफ है चार्जिंग। मेरे साथ फिर से पोपट हो गया भाई, मैंने सोचा था भाई को जिसको जिस पोर्ट को देख के मैं बहुत खुश हो रहा था कि चार्जिंग पोर्ट मिल गया, कोई काम नहीं कर रहा भाई। तो वही पुरानी ट्रिक, फ़ोन बंद करो, थोड़ी देर शूट करो, बंद करो, शूट करो, बंद करो, वो वाला ही प्रोग्राम करना पड़ेगा मेरे को। और ये मेरे को पूरा जादू बना दिया इन्होंने, वही मिल गया जादू होगा ना, जादू भारी ब्लू लाइट भाई, जादू ही लग रहा हूँ मैं अभी चंडीगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं अभी हम। बस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हिमाचल, यानी कि अभी बॉर्डर पे ही है हिमाचल के, और यहाँ पर लग रही है भाई ठंड, तगड़ी ठंड लग रही है, और हिमाचल पहुंच चुके हैं यार। और भाई अभी 4 बजने वाले हैं, और आई थिंक यहाँ 3.5 घंटे लगेंगे अभी और घर पहुँचने तक। सो है अभी प्रीटी लॉन्ग जर्नी अभी भी है, मेरे को बड़ी ठंड लग रही है यहाँ पे, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन अब ये 3 सीटर मिल गई है खाली, तो अपन लेकर आए हैं चंडीगढ़ से, सोते आए हैं। बस ने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये मेरा गांव आ गया है। देखो अभी भी अंधेरा है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बुकली जितना, और वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बस के अंदर, तो इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया ऐसे होता है, वो रोड ही ऐसा है, हाँ टेढ़ा मेढ़ा, कुछ खाया भी नहीं फिर भी उल्टी आ गई। फाइनली आ गए हम अपने पिंड, अपने गाँव। एक तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई बीच में कसम से, गाँव का रात को अब क्लियर दिखेगा नहीं, वहाँ हमारा घर है उस तरफ, ऐसा है कुछ। आ चुका हूँ मैं अपने पुश्तैनी घर में आ चुका हूँ, दादी के घर है, दादी का घर था ये। और अभी मैं हूँ अपने फेवरेट, मतलब जहाँ पे मैंने मोस्टली बचपन स्पेंड किया है, ये जगह है ना, ये किचन है, तो यहाँ पे खाना खाएंगे ना भाई, सुबह से आया कुछ खाया नहीं, और वैसे भी बस में तो हालत खराब हो गई थी, तो ये प्योर भैंसे के दूध से जो प्योर होता है ना, प्योर घर का भैंसे घर का, ये दिखा दो मेरे पति ने भैंसे का दूध, ए क्या का दूध है मम्मी, भैंसी का, ए देख भैंसी मतलब भैंस, ए भैंस का दूध देखो, भैंस का दूध देख लो गाइस, भैंस का दूध, दिल्ली में मिलावटी दूध होती है, दिल्ली में मिलावटी दूध पी के चाय लो मम्मी खराब हो गया, और दादी हमारी मिलवाता हूँ अच्छे से गाइस। पता मैं नेपाल की एक चीज विटनेस करता हूँ, वो है राय का साग, लेकिन अपने यहाँ पे लगाया भाई, अपने खेतों में लगाया है राय का साग, और बिल्कुल अच्छा है, दिल्ली जैसा नहीं है, दिल्ली में तो मिलता भी नहीं है, लेकिन दिल्ली में मिलेगा भी तो अच्छा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे तो ताजा ताजा खेतों से लेते हैं, वो क्या बोलते हैं ना, खाद ना कुछ, गोबर का खाद, वो जहरीली खाद भी नहीं, बस भाई प्योर बनता है भाई, प्योर खाते हैं यहाँ के लोग, और अच्छी डाइट होती है यहाँ के लोगों के लिए,
तो वही यहाँ बूढ़ा नहीं होते, धनिया मिर्च सब। ये बस नेपाल की एक चीज को बहुत मिस कर रहा था, जैसे हम एटोड़ा में, एटोड़ा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है एटोड़ा, तो वैसे ही साग है यहाँ का, राय का साग, तो देसी घी का पराठे मिस करता था मैं, राय का साग एटोड़ा का, और यहाँ पे मिल गया है। अब हम पराठे शरांठे खा रहे हैं, ये क्या बीजी है, बीजी है, हाँ ये बीजी है, ये कचालू बोलते हैं इसको, कचालू बोलते हैं, कचालू बोलते हैं नेपाल में, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पिडालो, 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 पिडालो नेपाल में बोलते हैं, और ये यहाँ पे कचालू है। सो भी हम खाते हैं नाश्ता, ये देख लो भाई, ये परांठे बन गए, ये कचालू है, और ये अपनी चाय। गाइस अपन बन गए आप वेटर, हम डिलीवर करेंगे ये चाय दादी के लिए। ओ दादी क्या कर रहे हो, अरे चाय गिर जाएगी, ये लो दादी, पता नहीं क्या ही कर रही है सुबह सुबह, ये लो चाय, कुत्ती इतनी इतनी रखी दूँ, रखी दूँ इतनी। दोस्त मेरा दुकान नहीं गया सुबह सुबह, चलो मिलके आते हैं दोस्त से अपने। तो गाइस अब यहाँ पे ना शादी डोली जा रही है यहाँ से, डोली नहीं सॉरी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पीपल में पूजा करने के लिए जा रहे हैं यहाँ से, शादी करके आए ना, शादी करके आए ना, इसीलिए ऐसे जाते हैं। देखो देखा ना वो भाई, यहाँ का थोड़ा रिचुअल है उस समय ऐसे होता है, मतलब पीपल के पेड़ पे जाएंगे और वहाँ पे पूजा पूजा करेंगे एंड फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ पे हमारे जो कुल देवता हैं वहाँ पे चक्कर लगाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे, ऐसे करके बस चारों तरफ ऐसे जाते हैं और पूजा करके फिर बाहर में घर आते हैं। ये दुल्हन को लेके आए ना वहाँ से, तो वही है ये, थोड़ा सा थका हूँ मैं, सोया तो था लेकिन थका हूँ थोड़ा, मन से अभी ये अच्छा नहीं हुआ मेरा, तो अभी रेस्ट करूँगा और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आग बाकी जो वीडियो डालूँगा वो रिस्पॉन्स कैसा मिलता है उसके हिसाब से भी देखूँगा। लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। सो या बाय।